अब प्रशांत जी को मैं कहूंगा, केवल रेजोल्यूशन एक संयोग है, मौका है, मगर इस बहाने हम अपनी राजनीतिक दृष्टि साफ करें। प्रशांत जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस दृष्टि के बारे में कुछ बोलें। साथियों, मुझे बहुत ही खुशी है कि आज इतने सारे ऐसे लोग जो कि जनहित में देश को बदलने के लिए, देश की जनता की ऊर्जा को जगाने के लिए जो लोग बाहर निकले हैं, वो यहाँ पर इतने बड़े संख्या में आज उपस्थित हैं। आज की जो हालत है देश की, वो आज कम से कम मेरे जीवन में तो सबसे गंभीर हालत आज हम देख रहे हैं। इससे ज़्यादा गंभीर समस्या पूरे देश के सामने सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण की दृष्टि से भी पहले कभी नहीं हुई। एक तरफ अगर आप भ्रष्टाचार का ही मुद्दा देखें, तो भाजपा की सरकार इस आधार पर सत्ता में आई थी कि भाई भ्रष्टाचार खत्म करेगी। आज भी मोदी जी ये दावा करते हैं कि भाई हमारे कोई बड़ा भ्रष्टाचार का कांड उभर कर नहीं आया। लेकिन अगर आज आप ये देखें कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ संस्थान बने थे, जैसे लोकपाल का कानून बनाया, आज तक लोकपाल नहीं अपॉइंट किया। अभी परसों उस कानून में भी एक अमेंडमेंट कर दिया कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके हस्बैंड्स, वाइफ्स, बच्चे, उनका मतलब माइनर चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उनके एसेट्स का डिक्लेरेशन नहीं देना होगा। दूसरी तरफ एनजीओज के एसेट्स का डिक्लेरेशन मांग रहे हैं। तो लोकपाल बनने नहीं दिया। दूसरा संस्थान था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको दो इम्पॉर्टेंट दायित्व दिए गए थे, सीबीआई को सुपरवाइज करना और विसल ब्लोअर के लिए नोडल अथॉरिटी। उसमें इन्होंने 1.5 साल तक दो पोस्ट, 3 में से 2 पोस्ट खाली रखी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट का जब दबाव पड़ा तो 2 बिल्कुल भ्रष्ट लोगों को वहाँ नियुक्त कर दिया, जिनका अपॉइंटमेंट हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वो चैलेंज पेंडिंग है। सीबीआई को कोई स्वायत्तता देने का बिल्कुल इनकार कर दिया और सीबीआई में आज कम से कम 500 अफसरों की वैकेंसी है, उसको भी नहीं भर रहे, जिसकी वजह से सीबीआई जो कुछ काम कर पाती थी वो भी आज काम नहीं कर पा रही। विसल ब्लोअर का कानून आज तक नोटिफाई नहीं किया। 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं कानून बने हुए, उसका नोटिफिकेशन नहीं किया और अब कह रहे हैं कि उसमें भी अमेंडमेंट करने के बाद नोटिफाई करेंगे। और अमेंडमेंट क्या ला रहे हैं कि अगर कोई विसल ब्लोअर ऐसी सूचना देता है जो कि सूचना के अधिकार कानून के तहत किसी को नहीं मिल सकती, तब फिर उस विसल ब्लोअर को विसल ब्लोअर नहीं माना जाएगा और उसको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट किया जाएगा। यानी कि कानून को बिल्कुल ख़त्म करके फिर नोटिफाई। तो ऐसी सरकार जो कि लगातार जितने एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर प्रहार कर रही है, उनको ख़त्म कर रही है, वो कैसे ये दावा कर सकती है कि भाई उन्होंने भ्रष्टाचार कम कर दिया या कोई बड़ा भ्रष्टाचार का कांड बाहर नहीं आया? क्योंकि उसमें समय लगता है, सीएजी की रिपोर्ट बनने में समय लगता है। धीरे धीरे करके सीएजी बता रही है कि भाई इन्होंने कोल के भी जो ऑक्शन किए कोयले के, उसमें भी बेईमानी हुई, उसमें भी कार्टेलाइजेशन हुआ, वगैरह वगैरह। तो भ्रष्टाचार की समस्या कम होने के बजाय और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितने एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। साथ में जो कुछ थोड़े बहुत कांग्रेस के समय जो
आम आदमी के लिए कुछ कानून बनाए गए थे, वो भी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के वजह से, जैसे कि मनरेगा का कानून, नया लैंड एक्विजिशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इन सब को ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश मोदी सरकार के द्वारा होती जा रही है। तो बिल्कुल एंटी पीपल और प्रो क्रोनी कैपिटलिस्ट, यानी कि अपने जो खास लंगोटिया उद्योगपति हैं उनके हक में पूरा काम ये सरकार कर रही है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या सरकार के साथ आई है वो सांप्रदायिक फांसीवाद की, जिसमें अल्पसंख्यकों के ऊपर तो प्रहार हो ही रहा है और उसके साथ साथ जो भी आदमी इनके खिलाफ कुछ बोलता है, चाहे वो कोई एनजीओ हो, तीस्ता से तलवाद हो, या कोई भी इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर प्रहार हो रहा है, एक्टिविस्ट के ऊपर प्रहार किया जा रहा है और अल्पसंख्यकों के ऊपर तो किया ही जा रहा है। और हर जगह यह गौ रक्षा के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर गुंडों की जमात इन्होंने छोड़ दी है कि जिसको चाहो पीट दो, जिसको चाहो पकड़ के पीट दो, और इनकी जो पुलिस है वो साथ में बस तमाशा देखती है। तो ये तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हमको जो करना है और जो स्वराज अभियान जो और पॉलिटिकल पार्टियों से या और संगठनों से कैसे फर्क है, हमको हर समस्या के जड़ पर जाना है और उसके बारे में सोचना है कि इस समस्या की जड़ कहाँ है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका असली सॉल्यूशन क्या है। इस और उसके बाद हमको बिल्कुल निडर होके, चाहे सॉल्यूशन ऐसा हो, अगर कश्मीर के बारे में हमको लगता है कि भाई सॉल्यूशन ऐसा है जो कि आज मौजूदा हालात में अनपॉपुलर सॉल्यूशन होगा, लेकिन जनहित में वही सॉल्यूशन दिख रहा है, लॉन्ग टर्म का वही सॉल्यूशन है, तो हमको बिल्कुल बोल्डली वो बात बोलनी पड़ेगी। इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि भाई इससे हमारी वोट घटेगी या ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। जो बात सही लगती है वो बोलने की क्षमता हम में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो जज्बा जन लोकपाल के मूवमेंट के समय दिखाई दिया था इस देश में, जिसमें कि तमाम मतलब लाखों युवा, हर तरह के लोग सड़क पर आ गए थे देश को बदलने के लिए, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, वो जज्बा हमको फिर से जगाना है। और सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे के लिए नहीं, जो भी देश में बड़े बड़े मुद्दे दिख रहे हैं, हम लोगों ने चार चिन्हित किए हैं, भ्रष्टाचार के अलावा सांप्रदायिकता, किसानों का मुद्दा, और उसके अलावा शिक्षा और रोजगार का मुद्दा, ये चारों बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर हमको जनता को, इस देश की जनता की आत्मा को जगाना है, उनको संगठित करना है, उनमें वो जज्बा फिर से भरना है जिसमें कि वो उठ के सड़क पर आ जाएं और इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए पूरी तरह से जुट जाएं। यही मुझे कहना था। धन्यवाद।